नाउ फॉर्मूलाज, मैं आपको फॉर्मूलाज दे देता हूँ, फॉर्मूलाज में। ओके तो फॉर्मूलाज में हम लोग क्या सीखेंगे पहले, तो हाउ टू गेट दिस डाटास, तो नंबर ऑफ गैमेट्स इज इक्वल टू 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 द पावर एन, याद रखना ये टू द पावर है। ओके यहां मैं नहीं लिख सकता। उसी तरह नंबर ऑफ फिनोटाइप्स। फिनोटाइप्स इज इक्वल टू 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 द पावर एन। उसी यस सर, तरह नंबर यस ऑफ, दिस इज टू द पावर, आई एम टेलिंग रिपीटेडली, क्योंकि यहाँ ना यस सर, वो इसमें वो टाइप नहीं होता है, ये थ्री टू थ्री द टू पावर एन, पावर एन। थ्री टू द थ्री टू पावर द पावर एंड टोटल नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग्स फोर टू इज द पावर एन, इक्वल फोर टू टू द पावर फोर एन, टू द पावर एन। तो ये आपका डाटा यस। हो गया, अब सब चुप रहेंगे, आंसर मेरे को टेक्स्ट करेंगे। हाँ तो मैं आपको एक यस जीनोटाइप लिख रहा हूं, मुझे सारे वैल्यूज चाहिए। ओके तो ये आपका एक जीनोटाइप मैंने आपके लिए लिख दिया। ओके आई हैव रिटन अ जीनोटाइप फॉर यू, आई वांट ऑल द आंसर्स ए बी सी डी, करिए नो टॉकिंग, प्लीज सेंड इट टू व्हाट्सएप, क्या चैट। बोला जी
चलिए सो आ गया मजा। यस सर। बताइए रोहन, डू यू नो द आंसर? रोहन जल्दी बोलो, यस या नो कुछ तो बोल सकते हो ना। रोहन नवीन आंसर आया? नवीन जैन तुम कहाँ था इतना दिन? यस सर। क्या हो गया, छुट्टी मार दिए इतना दिन? हाँ सर। क्या तबीयत खराब हो गया ना क्या फिर? नो सर, क्लास कर रहे। हाँ चलो इसका आंसर आया? नो सर, ट्राई कर रहे। अबे इतना क्या ट्राई कर रहे हो? आत्मन आ गया आंसर? यस सर। हाँ बताइए क्या है आंसर, गया कहाँ गया आत्मन? आंसर क्या है बताओ, व्हाट इज द आंसर? So one. माने? I didn't get you. तो सबूत है one ना वो? क्या? Two का power zero, three का power zero. Because what is n here? N heterozygous. Heterozygous. या एक भी हेट्रोजाइगस नहीं है। yes, देख रहे yes, हो? तो एक्चुअली ये एक इजीएस्ट क्वेश्चन है, बट अपीयर्स टू बी अ रेपिस्ट, है कि नहीं? तो दिखने को ये महाखूंखार क्वेश्चन है, एक्चुअली इट इज द इजीएस्ट वन। व्हाई? बिकॉज देयर इज नॉट अ सिंगल हेट्रोजाइगस। कैलकुलेशन भी करना है। एनीथिंग टू द पावर जीरो इज वन, इज वन। तो इसका yes, एक ही गैमेट बनेगा, एक ही फिनोटाइप बनेगा, एक ही जीनोटाइप बनेगा, एक ही जीनोटाइप बनेगा और एक ही ऑफस्प्रिंग बनेगा। आया समझ? यस। देख रहे हो? तो इसीलिए इस तरह से एंड आप देखोगे ओलंपियाड में बढ़िया क्वेश्चन आता है, बढ़िया। तुम लोग करो, मैं सारा प्रैक्टिस करा दूंगा, बट आप करोगे नहीं ना फिर मजा नहीं आता है। ओके चलिए, समझ में आया शीशा जी? आशीषा बुझलो, आशीषा yes, ने सब को 26 लिख दिया। अरे 26 कैसे होगा बेवकूफ, 2 टू द पावर n का भी 26 हुआ है, सोचो। 2 टू द पावर, वो 2n नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि नहीं, वो 2 टू द पावर n है, तो इसलिए 2 टू द पावर n कभी भी 26 होगा। ताहले तो हाउ यू आर राइटिंग 26, इसलिए आपका आंसर के पीछे भी लॉजिक होना जरूरी है। ओके चलिए, सो गुड, विल गो अहेड। सो वी वर डिस्कसिंग विद, हां बोलो सर। वो मैं सर केवीपीआई का वेबसाइट चेक किया सर, वैसा हाँ, तो कुछ है नहीं सर। मैं देखूंगा, आप क्यों उसमें घुस रहे हो? व्हाई आर यू वेस्टिंग टाइम? दिमाग एक जगह लगाओ, समझ में आया जी? व्हाट आत्मन डिड, ही टोल्ड मी, let me see, why are you bothered? okay, उसमें था सर 10th में चाहिए और 12th में चाहिए, 11th का तो कहीं कुछ नहीं। हर चीज वो करिए जो आपको करना है, हमें yes, इसीलिए अंग्रेजी में क्या कहावत है, माइंड योर ओन बिजनेस। वो तो आत्मन देखकर नहीं बोल सकता था, वो क्यों मेरे भरोसे छोड़ दिया? क्योंकि लेट मी क्लैरिफाई, वो मेरा काम है ना, आप लोग क्या इतना परेशान? चलिए जस्ट डू योर जॉब। अगर मैं उस लायक हूं ना तो फाड़ दूंगा, ये एटीट्यूड रखो। सपोज इफ आई क्वालिफाई आई विल हिट इट, तो दिस शुड बी द एटीट्यूड ऑफ अ स्टूडेंट। नहीं क्वालिफाई किया तो मैं क्या करूं बताओ, जब मैं उसके लायक ही नहीं हूं तो नहीं, बस। चलिए, सो दिस इज योर सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल एज वी डिस्कस्ड, या थर्ड लॉ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो उन्होंने क्या कहा, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका मतलब क्या है,
if we consider the inheritance of two or more genes at a particular time, their distribution into the gametes and progeny of subsequent generations is independent of each other. ये हम ऑलरेडी उस दिन डिस्कस किए कि जब हमने गैमिट बनाया कोई पर्टिकुलर गैमिट को, आप देख रहे हो कि नहीं, हमने कोई एक आर किसी एक वाई को नहीं दिया, हमने सबको दिया. Yes, sir. हमने कोई वाई किसी पर्टिकुलर आर को नहीं दिया, सबको दिया. तो हम चार चार प्रकार के गैमिट्स बनाए हैं, इधर चार चार प्रकार के गैमिट्स बनाए, 16 प्रकार के बच्चे बने हैं, है कि नहीं? तो हमने कोई बायसनेस नहीं किया, बट yes. क्या देखा कि राउंड के होने से येलो या ग्रीन को कोई फर्क नहीं पड़ता, रिंकल्ड के होने से येलो या ग्रीन को कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके, ग्रीन के होने yes. से राउंड या रिंकल्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके, एंड राउंड होने से, क्या येलो होने से राउंड या रिंकल्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता. मतलब क्या है, दे आर टू डिफरेंट जीन्स वर्किंग टूगेदर. ओके, अब सपोज आत्मन अमीर घर का बच्चा है, वो केक लाया है खाने के टिफिन में, केक खा रहा है. अब सपोज मैं गरीब घर का बच्चा हूँ, सूखा रोटी अचार लाया हूँ, तो सूखा रोटी अचार खा रहा हूँ. आई एम एंजॉइंग माई लंच, ही इज एंजॉइंग हिज लंच. उसका मेरे लंच से कोई रिश्ता नहीं, मेरा उसके लंच से कोई रिश्ता नहीं. फिनिश्ड. बट वी आर गुड फ्रेंड्स, वी सिट टूगेदर, वी प्ले टूगेदर, वी डू टूगेदर एवरीथिंग. वी एट टूगेदर, बट ही एट हिज टिफिन, आई एट माई टिफिन. ना मुझे उसके टिफिन का लालसा है, ना उसे मेरे टिफिन से घृणा है. आई समझ? तो वी आर इंडिपेंडेंट. तो ये मेंडल ने कहा था, बट क्या ऐसा होगा ये हम आगे देखेंगे. मेंडल, व्हाट ही फाउंड दैट देयर वाज नो इंटरफेरेंस. बट दो दोस्त खा रहे हैं, एक दोस्त जबरदस्त टिफिन लाया है, दूसरा खराब टिफिन लाया है. जनरली क्या होता है, खराब वाले को थोड़ा लालच आ जाता है, जो अच्छे वाले को सोचते कैसी माँ है, कि क्या बकवास दे के रखी. तो कुछ तो थोड़ा मन लड़ खड़ा होता है कि नहीं. सो दैट इज व्हाई बिकॉज यू लाइक दैट फ्रेंड. किसी ना किसी तरह का लीकेज है. आप नहीं चाहते कि जब तुम इतना अच्छा खा रहे हो, तुम्हारा दोस्त कुछ खराब खाए, है कि नहीं? तो इसीलिए या किसी तरह का कोई लालसा है. आप जानते हो वो दोस्त है, आप जानते हो वो दोस्त है, वो कृष्ण है, मैं सुदामा हूं, तो शायद मांग लू तो दे देगा. तो एक दोस्ती है, एक आशा है, तो शायद मांग लू तो दे देगा. तो ये क्यों हम लोग ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि किसी ना किसी तरह से हम लिंक्ड हैं. बट मेंडल के ये जो कैरेक्टर्स है, इनका कोई रिश्ता नहीं है भाई. वाई इज बिजी विथ वाई ओनली, उधर कौन है, मेरे को क्या करना है कि नहीं? तो वाई देख रहा है उसके पास कौन सा वाई है. दोनों कैपिटल है तो येल्लो बनाएंगे, क्रिस क्रॉस है तो येल्लो बनाएंगे, दोनों स्मॉल है तो ग्रीन बनाएंगे. उधर आर है तो मैं क्या करूं, उधर कैपिटल कैपिटल आर है मैं क्या करूं, उधर स्मॉल आर है मैं क्या करूं. डू यू अंडरस्टैंड? वेरी सिंपल फिलोसफी. Live your own business. Do your own business. Understand? तो अगर फिर भी कोई कीड़ा किया तो आप कैसे साबित करेंगे? आप डाइहाइब्रिड रेशियो में अगर आप कोई भी कैरेक्टर को स्टडी करेंगे, वो अपना मोनोहाइब्रिड क्रॉस शो करता है. Understood? तो वो अपना मोनोहाइब्रिड क्रॉस शो करता है. अगर आप इज्जतदार हस्बैंड वाइफ हैं, सपोज एक्स एज ए क्रिश्चियन वाइफ, सपोज एक्स अपने घर में गया, उनके यहाँ शादी थी, पूजा पाठ था, तो व्हाट द वाइफ शुड डू, नमस्कार या वो जो अपना क्रॉस का सिंबल करते हैं हमारे पूजा में, नमस्कार. सोचिए, सपोज एक्स जो लड़का है उसके घर में पूजा चल रहा है, सत्यनारायण का पाठ या कुछ भी चल रहा है, एंड तो वाइफ है तो वो आएगी, तो वो वहां क्या करेगी, नमस्कार करेगी, पैर छुएगी, ना वो जो अपना ऐसे क्रॉस वाला साइन करते हैं वो करेगी. क्रॉस वाला बोलो, क्रॉस वाला,
क्रॉस वाला व्हाई बिकॉज शी इज इंडिपेंडेंट भाई yes. पति उसका है धर्म उसका नहीं है तो वो इज देखो मुझे जो भगवान भगवान ही बोल रहे हो ना आप तो मैं हिंदू हूं मुझे भगवान के जगह पर कौन दिखा सपोज श्री कृष्ण दिखे सपोज गणेश जी दिखे सपोज हमें जो संतोषी माता दिखी वो हमें दिखी उसको कौन दिख रहा है भगवान के जगह पर जीसु मसीह मुस्लिम को क्या दिखेगा उस जगह पर अल्लाह अकबर तो वो अपना पूजा करेंगे भाई देख आप भगवान की तरफ ही रहे हो बट हिंदू को अपना भगवान दिख रहा है क्रिश्चियन को अपना भगवान दिख रहा है मुस्लिम को अपना भगवान दिख रहा है सो दैट इज कॉल्ड व्हाट इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन बट एक्स उसको बोल रहा है अरे यार आज बहुत लोग आएंगे तो तू थोड़ा नमस्ते कर देना यार प्लीज थोड़ा पैर हाथ छू लेना प्लीज मेरे लिए यू लव मी ना प्लीज थोड़ा मेरे लिए कर दो इसका मतलब क्या है दैट यू आर लिंक्ड आप उसे जबरदस्ती कर रहे हो कि सिंस वो आपसे लिंक्ड है वो आप जैसा नमस्ते कर दे एक बार भले ही दिखाने के लिए पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही तो उस तरह से बट स्टिल दैट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऐसा कोई शक सो दिस इज व्हाट इज मेंडल सेकंड लॉ ओवरवेल्म्ड वाज मेंडल एंड ही वाज वेरी वेरी हैप्पी दैट फिर एक रिपीटेशन हुआ ओके बिकॉज उनसे पहले कोई चीज रिपीट नहीं किया देख रहे हो कि नहीं वाई आप बोलोगे उसे खुशी क्यों मिली अरे वाह अजीब बात है दुनिया भर के लोग लगे हैं किसी को दूसरी बार कोई रेशियो नहीं मिल रहा हमें बार बार मिला मोनोहाइब्रिड क्रॉस में तो हमने एक छोटा सा जंप लिया एक थ्योरी बना दिया फिर जब हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस किया फिर हमें रिपीटेशंस मिला तो इसीलिए तो उन्होंने एक और क्रॉस तो ही वाज ओवरवेल्म ठीक है ना तो इसीलिए ये हमारा कंसेप्ट है चलिए तो ये हमारा था तो अब हम लोग वहां थोड़ा वही जो लिख रहे हैं तो टू जीन्स प्रोड्यूस लुअर एंगेजमेंट तो इधर हम लोग एक फॉर्मूला लिखेंगे एक नोट लिख लेते हैं तो ये आपको कैलकुलेशन में सब मदद करेगा दैट इन ए डैश हाइब्रिड क्रॉस ओके या इन इन इसमें हम एन हाइब्रिड लिख देते हैं कि नहीं In an N hybrid cross, okay, the number A, क्या number of gametes is equal to क्या the number of gametes is equal to 2 to the power n, okay, उसी तरह yes number of phenotypes is equal to 3 to the power n. Okay. Sir, phenotype 2 to the power n होगा ना? हाँ, 2 to the power n. I'm sorry. This is 2 to the power n. उसके बाद C. Okay. This is number of genotypes. This is 3 to the power n. N. And D जो है total number of offspring equal to 4 to the power n. Yes. Okay, तो ये हमारा एक स्टेटमेंट है इसको हम लोग थोड़ा हाईलाइट करके रिवर्स में ले लेंगे ताकि आपको ये इम्पोर्टेंट चीज याद रहे एंड इससे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर पाए ओके सो दिस इज आवर व्हाट तो दिस इज आवर क्या बोलिए द डाइहाइब्रिड क्रॉस तो इसीलिए अब डाइहाइब्रिड क्रॉस हमने कर लिया सो नाउ वी हैव प्रपोज द थ्री लॉज चलिए बढ़िया मजा आया तो अब हम लोग थोड़ा अदर क्रॉसेस करेंगे आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड हियर तो यहाँ हमने क्या क्रॉस कर दिया था रेसिप्रोकल क्रॉस हमने क्रॉस टू ऑलरेडी कर दिया है तो एक और क्रॉस बच जाता है सो दैट इज योर व्हाट दैट इज योर टेस्ट क्रॉस तो मॉर्गन का जो क्रॉस मेंडल का जो क्रॉस थ्री था
वो क्या है, इट इज ए टेस्ट क्रॉस, ठीक है, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, तो वही हम लोग डिस्कस करेंगे. सो जो नेक्स्ट हेडिंग हमारा क्या है, दिस इज बैक क्रॉस. ओके, तो बैक क्रॉस दो प्रकार का होता है, एक है आउट क्रॉस एंड एक है टेस्ट क्रॉस. आउट क्रॉस या स्टॉप क्रॉस आप उसको बोल सकते हो, फाइन, तो उसको हम लोग स्टॉप क्रॉस बोल देते हैं, क्योंकि ना कुछ नया होने ही वाला नहीं है. सो ये हमारा कंसेप्ट है. चलिए, नाउ व्हेन, तो लेट अस गो बाय द डेफिनेशन. व्हेन, ओके, क्या ये जो ज़ूम इधर आ जाता है, ओके, सो व्हेन एफ वन इज क्रॉस with the parents, okay, तो F1 का parent कौन है, P, when F1 is crossed with parents, or F2, okay, is crossed with F1, okay, so when F1 is crossed, sorry, इसमें और नहीं लिखेंगे, तो when F1 is crossed with parents, क्या है, इट इज रेफर्ड टू एज क्या, इट इज रेफर्ड टू एज बैक क्रॉस. मतलब आप मम्मी डैडी से शादी करा रहे हैं बच्चे का, तो बच्चे का शादी विद मदर एंड फादर, मदर और फादर, ओके, तो इसलिए व्हेन एफ वन इज क्रॉस्ड विद द पेरेंट्स इट इज रेफर्ड टू एज व्हाट, क्या, बैक क्रॉस, ओके, बैक क्रॉस, इट इज ऑफ टू टाइप्स, ओके, क्यों, आप जानते हो दो तरह के पेरेंट्स हैं, तो इफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव द पेरेंट टेकन इनटू कंसीडरेशन इज होमोजाइगस, क्या, dominant, okay, so when if the parent taken into consideration is homozygous dominant, so kya hoga, no new phenotype will result, samajh rahe ho ki nahi, are tall ko agar tall hi ke sath cross kiye to kya milega, tall इसको हम लोग स्टॉप क्रॉस बोलेंगे. नाउ इसको हम करेंगे इफ, ओके, इफ द, इसको सेम पेस्ट कर देते हैं, ओके, इफ द पेरेंट अगेन इज होमोजाइगस रिसेसिव, ओके, नो न्यू, इसमें क्या होगा, ए one dominant is to one recessive phenotype, yeah, will result, okay, yes, so this is referred to as kya, test cross, so isko hum log test cross kehte hain, clear, to ye hamara story hai, so let us see it ki kaisa dikhta hai wo. Now let us make the cross. Now अब इधर हमारा क्या है, cross, cross क्या है, so F1 into क्या, suppose TT,
ओके हम लोग क्या ले रहे हैं, होमोजाइगस टॉल, ओके क्या पेरेंट, तो इसीलिए एफ वन क्या है आपका टी स्मॉल टी, तो एफ वन टी स्मॉल टी इज क्रॉस्ड विथ कैपिटल टी पेरेंट, अंडरस्टूड। तो अब आपका तो देखिए बिल्कुल रूल फॉलो करेंगे, इसके कितने गैमिट होंगे, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमिट बोलो, टू डिफरेंट टाइप, दो, एंड उसका yes. कितना टाइप ऑफ गैमिट होगा, वन। तो अब यहाँ एक और चीज हम लोग लिख के आएंगे, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके नाउ पनेट स्क्वायर, ओके नेवर डू फोर्क लाइन मेथड, इस उसमें आपका गड़बड़ी चांसेस है, पनेट स्क्वायर आप बनाएंगे, सो इट वाज डिस्कवर्ड बाय रेजिनाल्ड सी पनेट, ओके रेजिनाल्ड सी पनेट, इट discusses the probability of a cross and not the actuality reality, okay so yes, it discusses the probability, kya ho raha hai, probability of a cross, okay and not the actuality. अभी मैंने आद्या को बोला देखो यार आद्या आप उस लड़के से शादी मत करना प्लीज, आपका एक भी बच्चा नहीं बचेगा, तो आद्या वाज वरीड क्या बोल दिए सर यार जेनेटिक्स में, तो अब तो फिर भी उसने क्या किया, ही टुक द रिस्क, भाई प्यार है ना, पहला प्यार भूले से नहीं भूलता, तो इसलिए उसने क्या किया, ही टुक इट, चलो बच्चे नहीं होंगे हम तो एक दूसरे को लव कर सकते हैं, ऐसा सोच के उसने क्या किया, शी वेंट फॉर द मैरिज एंड शी हैज 20 चिल्ड्रन, क्यों उसके 20 बच्चे हैं, क्यों उसे लगा कोई नहीं बचेगा, तो दे केप्ट ट्राइंग, सब बच गए, तो एक्चुअली व्हाट वाज द प्रॉब्लम, उसके केस में 1/4 डेथ हो रहा प्रोबेबिलिटी में, तो मैंने आपको बोला देखो भाई 25% बच्चे मर जाएंगे, 75% मर जाएंगे, 25% बचेंगे, तो व्हाट हैपेंड विद हर, तो सिंस हर लव वाज ट्रू, भगवान ने मदद कर दिया, हर बच्चा वही 25% वाला 25% में आ गया, तो समझ आया कि नहीं, तो आद्या बोली यार इतना बड़ा पागल आदमी है, बोला एक भी नहीं बचेगा सब बच गए, अब 25 को पालेंगे कैसे, तो समझ में आया कि नहीं, उसी तरह से मैंने सत्य को बोला यार तेरा कोई टेंशन नहीं है चलते रहे, चलो 25% मर जाएंगे, अब वो तो यार वो रिसेसिव है ना, बट 75% बच्चे तेरे जिंदा रहेंगे, सत्य का एक बच्चा नहीं हुआ, क्यों सारे 25% वो सारे वही 25 वाले थे जो मरने वाले थे, तो इसलिए प्लीज अंडरस्टैंड पनेट स्क्वायर ये नहीं बताता है कि क्या होने वाला है, पनेट स्क्वायर ये बताता है क्या हो सकता है। आपको रिस्क yes. नहीं लीजिए, नो प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड, नाउ इट इज ए क्या ग्राफिकल रिप्रेज